गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा है सामाजिक ज्ञान का पेपर क्लास टू। देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन हैं और कैसे कैसे हमें ये करने हैं। उम्मीद करता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। रेलवे स्टेशन पर निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है। पीने का पानी, रेलगाड़ी, रेल की पटरी। भाई ये सब तो चीज़ें मिलती हैं, क्या नहीं मिलता है रेलवे स्टेशन पे। बस भाई, जब बस क्या करेगी वहाँ पे रेलवे स्टेशन के अंदर, ठीक है, तो बस वहाँ पे नहीं मिलती है। रेलवे स्टेशन के बाहर मिल जाए लेकिन रेलवे स्टेशन के अंदर बस नहीं रहती है। जीप से हम क्या करते हैं, क्या अनुभव करते हैं। जीप से सूंघते हैं, अरे छी नहीं, खाते हैं मुँह से, खाते हैं देखते हैं आँखों से देखते हैं, तो क्या करते हैं भाई, टेस्ट लेते हैं, स्वाद लेते हैं जीभ से। सिख लोग पूजा के लिए कहाँ जाते हैं, तो सिख लोग पूजा के लिए जाते हैं गुरुद्वारा। आप सभी ने गुरुद्वारा देखा है कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु कक्षा में होती है। किताबें होती है। भाई गाय क्या करेगी हमारी कक्षा में। बर्तन पौधे नहीं होंगे, पौधे तो फिर भी आसपास लगा देते हैं लेकिन बर्तन और गाय तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। सही आंसर है हमारा किताबें। कोरोना से बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए भाई, मुंह पे, चलो मैं लिख देता हूँ, मुंह पे, मुंह पर मास्क लगाएं वे उचित दूरी बनाए, ठीक है। मुंह पे मास्क लगाना है, उचित दूरी बना के रखनी है, तो इसका आंसर भी मास्क पहनना सही है, ठीक है। सही और गलत यहाँ पे 6 से 10 तक हमें दे रखे हैं, चलिए देखते हैं। हमें अपना काम साफ़ सुथरा करना चाहिए। भाई बिल्कुल साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, जो टीचर को पसंद आए, सबको पसंद आए, ठीक है। आँखें देखने में सहायता करती हैं, बिल्कुल भाई आँखें देखने में सहायता करती हैं। बच्चों को सब्जियां नहीं खानी चाहिए। अरे क्या गलत बात बोल रहे हो भाई, बच्चों को सारी सब्जियां खानी चाहिए जिससे वो हेल्दी हो जाएं। जंगल का राजा शेर होता है, बिल्कुल जी हाँ, जंगल का राजा शेर होता है। हमें गाना ज़ोर ज़ोर से सुनना चाहिए, बिल्कुल नहीं, हमारे कान ख़राब हो जाएंगे अगर हमने ऐसा किया तो। 5 सब्जियों के नाम लिखिए। चलिए 5 सब्जियां कौन कौन सी हैं मैं आपको लिख देता हूँ, आपकी पसंद की सब्जियाँ भी आप मुझे नीचे लिखना, ठीक है। तो गाजर, मटर, लौकी, पालक और भिंडी, हो गई 5। और अपनी मनपसंद की सब्जी आप लिख देना। यह चित्र किस स्थान का है, तो भाई यह रेलवे स्टेशन का है, ठीक है। गाय से हमें क्या मिलता है, भाई गाय हमें दूध देती है, और क्या देती है, दूध से घी बनता है, छाछ मिलती है, और गाय हमें घी भी देती है, ठीक है। गाय और गाय के गोबर से खाद बनती है, ठीक है। और गाय के गोबर का क्या उपयोग किया जाता है, यदि आपको पता है तो मुझे ज़रूर बताएं। हमें अपने हाथों को कितनी देर तक धोना चाहिए, हमें अपने हाथों को पूरे 1 मिनट तक धोना चाहिए, ठीक है, या जब तक हमारे हाथ पूरी तरह साफ़ नहीं हो जाते, जब तक हमारे हाथ पूरी तरीके से साफ नहीं हो जाते। हमारे हाथों को अच्छी तरीके से हमें धोना चाहिए। हो सकता है आपको ज़्यादा समय लग जाए, 1 मिनट से भी, तो अपने हाथों को अच्छी तरीके से धोएं। ध्वनि प्रदूषण के कोई 2 कारण लिखिए, तो उसके कारण हैं तेज हॉर्न, ठीक है, और बड़े बड़े
लाउड स्पीकर जिनमें लोग तेज तेज गाना बजाते हैं। इस मीनार का नाम लिखें। भाई ये तो कुतुब मीनार है, आप किसने कुतुब मीनार देखी है मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, ये क्या हो रहा है भाई, ये तो जल प्रदूषण ये लोग कर रहे हैं, पानी में इतनी सारी गंदी गंदी चीज़ें डाल रहे हैं, ठीक है, जिससे पानी गंदा हो रहा है। हमें मास्क क्यों पहनना चाहिए, क्योंकि इससे हम कोरोना एवं अन्य बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए हमें मास्क पहनना चाहिए। हमें किन किन जानवरों को घर में पाल सकते हैं, किन्हीं तीन के नाम लिखिए भाई। उसका नाम है कुत्ता, बिल्ली और खरगोश, गाय। और यदि आपको भी पता है कि और किस किस को पाल सकते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपकी क्लास टू की वर्कशीट सॉल्व हो जाती है सामाजिक ज्ञान की। भाई जिसको भी अभी तक मेरा ये चैनल पसंद आ रहा हो, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के वह लाल बटन को दबा दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि नए नए जो वीडियोज़ हैं वो आपको मैं लेके आता रहूँ। आप अगले साल क्लास तीन में चले जाएँगे एक महीने बाद, तो आपको मैं यहाँ पे ऑनलाइन क्लासें दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।